अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल वाजिद। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग रिडल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस रिडल के अंदर हमारी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले ये कंडीशन है हमारी कि इन सब लोगों को ट्रैवल करना है, यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचना है और इनके पास सिर्फ 17 मिनट का टाइम है। तो इनका टारगेट क्या है कि ये 17 मिनट में सबके सब लोग वहां पहुंच जाए। अब यहाँ पे क्या चीज मेंशन हुई है, ये बच्चा है कोई छोटा, ये तेजी से ट्रैवल कर सकता है ब्रिज को, तो ये अगर ब्रिज क्रॉस करेगा तो इसको 1 मिनट लगेगा। फिर ये उससे कोई बड़ा बंदा है, इसको 2 मिनट लगेंगे ब्रिज क्रॉस करने में। ये अंकल है कोई, इनको 5 मिनट क्रॉस करने में लगेंगे। और ये कोई बुजुर्ग हस्ती है, इनको 10 मिनट लगेंगे ब्रिज क्रॉस करने में। अब एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि एक वक्त में सिर्फ 2 ही लोग ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं, यानी ब्रिज जो है लोड जो बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ 2 लोगों का लोड बर्दाश्त कर सकता है, पहली बात। और टॉर्च किसी को लेके जानी पड़ेगी, एक ही टॉर्च है, तो कोई बंदा जाएगा टॉर्च लेके तो फिर साथ आएगा, मतलब टॉर्च लेके वापस आएगा ताकि बाकी के लोग भी जा सकें। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये सब वहां ट्रैवल कर सकते हैं, देन आप सोचिएगा कि कैसे 17 मिनट में ये सब वहां पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि ए के साथ हम भेज रहे हैं डी को, सही है। ए और डी जब ट्रैवल करेंगे तो काउंट किसका टाइम होगा, जो ज्यादा वाला टाइम है वो काउंट होगा, यानी कि 10 मिनट। दोनों अलग अलग तो नहीं जा रहे, एक साथ ही जा रहे हैं, तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा यानी कि 10 मिनट वाले की स्पीड से उसको भी चलना पड़ेगा, बच्चा स्लो 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 उनको लेके जाएगा। तो क्या हुआ, जब ए और डी यहां पहुंचे, यानी कि ए और डी जब यहां पहुंचे तो क्या हुआ, इन दोनों को कितना टाइम लग गया यहां आने में, 10 मिनट लग गए। अब इसमें से क्या होगा, ए को वापस आना पड़ेगा टॉर्च देने के लिए, तो क्या करा, ए को यहां से रिमूव कर दिया। ए कहां चला गया, वापस। जब ए वापस आया तो वापस आने में कितना मिनट लगा उसको, +1। तो मैं यहां लिख दूंगा 10+1, यानी कि मैंने +1 नीचे मेंशन कर दिया, तो ये क्या हो गया, 11 मिनट अब तक लग चुके हैं। अब क्या होगा, 1 किसको लेके जाएगा, सी को लेके जाएगा, यानी ए किसको लेके जाएगा, सी को। ए और सी जब साथ जाएंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। तो ए और सी जब साथ गए तो 10+5 में ऊपर मेंशन कर देता हूं, लेकिन एड इसी के अंदर हो रहा है, तो यानी कि 5 मिनट की स्पीड से ये दोनों यहां गए और ए और सी यहां पहुंच चुके हैं। अब जब ए और सी यहां पहुंच गए तो हमने क्या कहा कि सी तुम यहीं रुक जाओ और ए क्या करेगा, टॉर्च लेके वापस जाएगा। तो जब ए टॉर्च लेके वापस जाएगा तो अगेन +1 होगा यहां पे, तो हमने दोबारा मेंशन कर दिया +1, यानी कि ये सब एड हो रहा है, नंबर 1, 5, 10 और 1। तो ये 1+1 2 और 7 और 17 मिनट तो अभी तक हो चुके हैं, और अभी तक वन ए कहां पहुंचा है, वापस यहां, और 2 लोग बाकी हैं, यानी कि ए और बी। अब जब ए और बी वहां जाएंगे तो 2 मिनट और काउंट होंगे, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 19 हो जाएगा, यानी कि +2 दोबारा लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हम टोटल 17 मिनट में उधर पहुंच सके, यानी कि ए बी सी डी जो भी पर्सन है सब पहुंच जाए वहां, और कितना टाइम लगे, टोटल 17 मिनट। अब मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे 17 मिनट्स में यहां से वहां ट्रेवल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ वहां भेजेंगे। जब ए और बी यहां पर आ जाएंगे तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि बी यहां रुकेगा और ए वापस ट्रेवल करेगा। पहले ए और बी आए और ए और बी के आने में 2 मिनट हमें लगे, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया 2 मिनट, यानी कि अभी तक हमारे 2 मिनट वेस्ट हो चुके हैं। अब जब ए वापस ट्रेवल करेगा तो 1 मिनट और वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने 2+1 मेंशन कर दिया, यानी कि एक ट्रिप में हमारे 3 मिनट यूज हो गए। अब मैं आ गया यहां पर, अब हमारे पास कौन कौन मौजूद है, बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को बोलेंगे आप दोनों चले जाओ। अब ये दोनों जब जा रहे होंगे तो किसकी स्पीड से जाएंगे, 10 वाले की, यानी कि बुजुर्ग की स्पीड से चलना पड़ेगा इनको। ये जल्दी पहुंच सकते हैं लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, बुजुर्ग की स्पीड से चलना पड़ेगा, स्लो स्लो उनके साथ जाना पड़ेगा टॉर्च को कैरी करके। तो जब अब ये दोनों वहां जाएंगे, यानी कि डी और सी, तो ये टाइम कितना लगाएंगे, 10 मिनट्स। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट बाद क्या हुआ कि, यानी कि 10 मिनट्स में ये लोग ट्रेवल करके यहां आ गए, तो अब डी और सी कहां पहुंच चुके हैं, यहां। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया डी और सी। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 3 लोग हैं और यहां एक बचा हुआ है जो है हमारे पास, कौन, ए, यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे, बी को बोलेंगे कि तुम टॉर्च पकड़ो और तुम वापस जाओ। जब टॉर्च लेगा अपना बी, तो बी का टाइम क्या है, 2 मिनट्स। तो बी वापस आने में कितना टाइम वेस्ट करेगा, 2। तो हमने लिख दिया +2। अब बी कहां आ गया, यहां पर आ गया। अब कौन कौन बचा, यहां ए और बी। अब ए और बी जब वहां ट्रेवल करेंगे तो कितना मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट। तो ए और बी भी यहां आ गए, ए बी डी सी सब यहां पर आ गए, और +2। अब आप इसको सम कर लें,
10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14 और 14 प्लस 3 17, तो यानी कि ये 17 मिनट में सब लोग एक ब्रिज के एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पे आ गए। आई होप आप लोगों को आज की रिडल पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रिडल पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।